अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 से है, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 4 से आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 2, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो जैसे इसमें यह है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन फील्ड्स में किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन बिजनेस कि बिज़नेस में जो है वो हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो चलिए देखते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बिज़नेस में जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूडे इन ग्लोबल मार्केट्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन द बिज़नेस विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कि आज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं इनमें किसी भी बिज़नेस को विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर के बगैर उसे रन करना, उसे चलाना बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। कि विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम अपना बिज़नेस जो है वो रन नहीं कर सकते। हमारा बिज़नेस जो है वो हम लोग तब तक नहीं चला सकते जब तक हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। मैनी बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बहुत सी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो फौरी तौर पर और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म की जाती हैं सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये बिज़नेस में जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको बड़ी क्विकली और एफिशिएंटली तौर पे परफॉर्म करती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क इज़ आल्सो रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पेपर वर्क है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर यूज़ की वजह से कम हो चुका है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो ज़्यादा लिखने वाला काम होता है वो बहुत सा काम अब जो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है, अब वो उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी ये काम बहुत हद तक आसान हो चुका है। मैनी बिजनेस यूज़ वेबसाइट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट देयर कस्टमर्स। बहुत से जो बिजनेसेस हैं, जो बहुत से कारोबार हैं, वो क्या करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं। कंप्यूटर से एक वेबसाइट बनाते हैं अपने बिज़नेस की, किस लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और अपने कस्टमर से रابطہ रखने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं इन बिज़नेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो वो कौन कौन से पर्पसेस हैं हम देखते हैं। सबसे पहले है मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मार्केटिंग में हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखते हैं इन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में द कंप्यूटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। कि अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ही मुफीद है। मैनी मार्केटिंग एप्लीकेशंस आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। बहुत सी एप्लीकेशंस, बहुत से ऐप्स ऐसे लॉन्च हो चुके हैं जो बिज़नेस जो किसी भी मार्केटिंग के लिए किए गए हैं, इसलिए वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत से ऐप्स लॉन्च किए हुए हैं। और वो मार्केटिंग एप्लीकेशन से जो है वो आप प्रोडक्ट्स जो है वो बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। द कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। कंप्यूटर जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, कि स्टॉक एक्सचेंजेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फॉर बिजनेसमैन। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ये बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही अहम प्लेस है। टूडे स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड आर मोस्टली कंप्यूटराइज्ड। आज के दौर में मतलब अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो है वो जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं मोस्टली ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, ठीक है। उनका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर पे किया जा रहा है। मैनी स्टॉक मार्केट्स लॉन्च्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स। बहुत से स्टॉक मार्केट्स ने
कंप्यूटराइज सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। दिस सिस्टम मेक इट पॉसिबल फॉर स्टॉक ब्रोकर्स टू डू ऑल देयर ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली, कि इस सिस्टम ने, कंप्यूटर ने जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए उनकी जो ट्रेडिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो कर सकते हैं, इसको उन्होंने आसान बना दिया है कि वो अपनी जितनी भी ट्रेडिंग है वो टेक्निकली कर सकते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ कंप्यूटर की वजह से कर सकते हैं। और कंप्यूटर ने जो है स्टॉक एक्सचेंजेस को भी बहुत आसान कर दी है। उसके बाद देखते हैं बैंक्स। बैंक्स में आप कहीं भी चले जाएं तो आप देखते हैं कि बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन बैंक्स, और कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं बैंक्स में। दे आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स। और वो किस लिए करते हैं बैंक्स में जो है कंप्यूटर, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए और कस्टमर्स के रिकॉर्ड को और उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो है बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। द चेक्स ऑफ कस्टमर आर प्रोसेस्ड थ्रू द कंप्यूटर। कस्टमर्स के जो चेक होते हैं वो भी जो है कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होते हैं। द चेक्स आर रीड बाय MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस। तो एक चेक्स जो है वो एक इनपुट डिवाइस है MICR, जिसके थ्रू जो है वो रीड किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ATM, और बहुत से बैंक्स ने जो है वो ATM की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की हुई है। द कस्टमर्स कैन विदड्रॉ मनी थ्रू द ATM कार्ड, वो जो है अपने ATM कार्ड के थ्रू जो है अपनी मनी जो है विदड्रॉ कर सकते हैं, कि कस्टमर्स जो है वो ATM कार्ड के थ्रू अपनी जो अपने जो पैसे हैं वो वहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ दैट बैंक और एन अदर बैंक एट एनी टाइम, किसी भी वक्त बैंक की किसी भी ब्रांच से, ठीक है। तो कि आपके जो पैसे हैं वो किसी भी बैंक में हैं, लेकिन आप किसी भी उस बैंक की ब्रांच से या किसी और बैंक से भी है और ATM से जाके अपनी मनी जो है विदड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, और बैंक्स ने जो है क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। दैट कैन बी यूज टू परचेज डिफरेंट आइटम्स थ्रू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू जो है वो डिफरेंट आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं किसी भी मार्केट से थ्रू द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो और उसके बाद जो है हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। द कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर्स जो हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसलिए किया जाता है डिफरेंट ऑपरेशंस के, बहुत से ऑपरेशंस को क्विकली, फौरी और एक्यूरेटली प्रॉपरली तौर पर उनको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल इज मेंटेन्ड थ्रू द कंप्यूटर। जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे होते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उनके प्रोडक्ट्स का, जो वो लेके आए होते हैं, जो वो सेल कर रहे होते हैं और जो उनके पास पड़ी होती है, उन सबका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन कर रहे होते हैं। द बिल्स ऑफ द कस्टमर्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू अ कंप्यूटर। आप जो किसी मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ जो आपका बिल होता है, जो आप चीज़ परचेज करते हैं उसका बिल भी कंप्यूटर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड वेरी इजीली एंड क्विकली, और ये सारे ऑपरेशंस जो हैं बड़ी आसानी से और क्विकली तौर पे परफॉर्म कर दिए जाते हैं इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अ बारकोड इज प्रिंटेड ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक बारकोड जो है वो बहुत सी प्रोडक्ट पे एक प्रिंटेड होता है, जिसपे उस प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइस लिखी होती है, ठीक है। दिस बारकोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और ये बारकोड जो क्या करता है, उसके ऊपर जो है एक बारकोड पे एक चिट लगी होती है वहाँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी प्राइस जो है वो वहाँ लिखी होती है। दिस बारकोड इज रीड थ्रू अ बारकोड रीडर, और ये बारकोड जो है बारकोड रीडर के थ्रू रीड की जाती है। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और आइटम इज एंटर्ड इन टू द
कंप्यूटर थ्रू द बारकोड रीडर। तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है तो वो जो है बारकोड रीडर के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कर दी जाती है। द कस्टमर बिल इज प्रिपेयर्ड क्विकली एंड द कस्टमर गेट्स द एक्यूरेट बिल। तो कस्टमर का बिल जो है वो फौरी तौर पर प्रिपेयर कर दिया जाता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। द रिकॉर्ड ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जितनी भी सेल्स हुई होती हैं उन सबका रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में होता है। दिस रिकॉर्ड कैन बी यूज टू एनालाइज द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टॉक इन्वेंट्री। वो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी चीज़ें, कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो चुकी हैं और कितनी प्रोडक्ट्स अभी हमें स्टॉक करनी है। इट हेल्प्स टू मैनेज स्टॉक्स मोर एफिशिएंटली, और ये स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सिक्योरिटी कैमराज आर आल्सो वाइडली यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत से सिक्योरिटी कैमराज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इट रिकॉर्ड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द कस्टमर इन डिपार्टमेंटल स्टोर, और यहाँ पे कस्टमर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में वो सारा जो है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये थी यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। के कोई भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक में है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में है, तो वो विदाउट यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसे हम नामुमकिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। एडेड डिज़ाइन में वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। शुक्रिया।